The mission of Max Estates is to offer spaces for residential and commercial use with the utmost attention to detail, design, and lifestyle. I think for anybody who chooses to come and live on the Max Estate site in this community on Rajpur Road, that is going to be the biggest blessing, that you are dwelling in a perfectly poised equilibrium between spirituality and nature, and yet you are within an urban embrace of the city of Dehradun. मैडम कल सुबेरे के लिए कौन सी सब्जी काट दूं? ओहो मंगल, तुम रोज रोज वही सवाल क्यों करते हो भाई? जो जी में आए काट लो। हाँ तो ठीक है, मैं छोले भिगो देता हूँ फिर। ठीक है पुरुषोत्तम डालिंग, पता है किरायेदार आने से घर में कितनी चहल पहल बच गई है। अदरवाइज तो ये मंगल सारा दिन अपने घर और किचन के कामों में बिजी रहता था और तुम अपने बिजनेस के चक्कर में सिर्फ मुझे सुबह और शाम ही मिलते थे। हाँ लक्ष्मी जी आप भूल रही हैं, सिर्फ सुबह शाम मिलता ही नहीं था बल्कि रात को भी इसी घर में रहता हूँ। ओहो आज लड़ाई क्यों? अब हमने तय कर लिया है ना कि हम लड़ाई सिर्फ संडे के संडे करेंगे, राइट? अरे रोना तो इसी बात का है भाई, गुस्सा तो आज आ रहा है लेकिन लड़ाई के लिए संडे का इंतजार करो। देखो भाई लक्ष्मी, दिस इज वेरी अनफेयर। अरे जितनी लंबी सांसें लेनी है ना ले लो। हाँ मुझे पता है जब तुम्हें गुस्सा आता है ना तो तुम करके लंबी सांसें लेने लगते हो। अजय टीवी बंद सो बंद, ये भी भूल जाते हो कि घर में एक बीवी भी बैठी है, जब देखो वही न्यूज। अरे तो क्या कार्टून चैनल देखूं या तुम्हारे सास बहू के सीरियल? अरे तुम्हारे सीरियल शुरू हुए नहीं कि सारे घर में कर्फ्यू लग जाता है और उसके साथ साथ तुम्हारे कॉमेंट शुरू हो जाते हैं। सारे मर्द बेवफा होते हैं, बीवियों को धोखा देते हैं, धोखा देना इनकी फितरत होती है और ये सब कहकर तुम अपना सारा गुस्सा मेरे ऊपर निकालती हो। अब ऐसे में मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा नहीं तो और क्या होगा? अजी मेरा ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ता। अरे भाई तुम्हारा ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ेगा, तुम तो दूसरों का ब्लड प्रेशर बढ़ाती हो। पुरुष डार्लिंग, अब मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम इस तरह की बातें कर रहे हो? तुमने टीवी क्यों बंद कर दिया था? इससे बड़ी इंसल्ट की बात हो ही नहीं सकती कि एक सुंदर बीवी सामने बैठी हो और उसे ना देखकर तुम वो टीवी देख रहे हो। अच्छा जी, और जब तुम रात को 11 बजे तक अपने सीरियल देखती रहती हो तब तुम्हें इस बात का ख्याल नहीं आता कि तुम्हारा पति सुबह से काम करके भूखा पैसा घर में लौटा है, उसके खाने पीने का कुछ ख्याल रखो? अजी बिल्कुल बच्चे हो तुम, दो चार घंटे अपनी भूख रोक नहीं सकते? और अगर वाकई इतनी भूख लगी है तो मंगल से कहकर अपना खाना लगवा लिया करो। जी नहीं, 30 साल पहले तुम ही ने नियम बनाया था कि रात का खाना इकट्ठे खाया करेंगे, अब नियम बदलने की बात क्यों कर रही हो तुम? बनाया तो था लेकिन कभी कभार अकेले खाया जा सकता है पुरुष डाले। कभी कभार? अरे कई सालों तक अकेले खाना पड़ेगा, तुम्हारे जो ये सीरियल है ना ये चार चार पांच पांच साल तक खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। अच्छा ये छोटी छोटी बातें, कोई बड़ी बात नहीं है जिससे लड़ाई की जाए और अपना कीमती वक्त बर्बाद किया जाए। चलो ठीक है बड़ी बात भी कर लेते हैं। देखो भी लक्ष्मी, पैसे की कोई कमी नहीं है, घर में नौकर है और दूसरा मैं हूँ। अरे भाई तो ऐसी कौन सी आफत आ गई थी कि ऊपर से तुमने किराएदार रख लिए, और किराएदार भी ऐसे वैसे नहीं, पति पत्नी दोनों वकील हैं, एक करेला तो दूसरा नीम चढ़ा। पुरुष डालिंग अब देखो ना, इतना बड़ा घर खाली पड़ा था, पहली बात ये कि फ्लैट मेंटेन रहेगा, दूसरी बात ये कि किराया आता रहेगा और सबसे अहम बात हाय मेरा मन लगा रहेगा। बाबा बहुत खूब, तो श्रीमती जी अब बुढ़ापे में मन लगाने के लिए सिर्फ किराएदार ही रह गए हैं। लक्ष्मी तुम भूल रही हो सिर्फ शुरू के कुछ महीने का किराया मिला था, अरे पिछले 3 महीने से तो किराया मिला ही नहीं है हमको। ओह
ओहो पुरुष डार्लिंग, अब देखो ये किराएदार है ना, बेचारे इनके पास कोई इनकम भी नहीं है, आजकल कोई केस भी नहीं है, अब दो चार दिन से तो इनके किचन में खाना भी नहीं बना। अब ये बताओ कि मेरे घर में कोई भूखा रहेगा तो मुझे अच्छा लगेगा क्या? और वैसे मुझे ये सब पता चला जब मैं वो दीपा से मिलने गई। अरे ये दीपा कौन है? हमारे किराएदार, और कौन, पति का नाम है कमल सक्सेना और पत्नी का नाम है दीपा सक्सेना। और मैंने कहा दीपा से कि हाँ हाँ मुझे पता है घर में पैसे की तंगी है, लेकिन पुरुषोत्तम जी कह रहे थे कि हाय पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। अरे पर मैंने ऐसे कब कहा? हाँ हाँ, लेकिन तुम्हारा रुतबा बढ़ाने के लिए मैंने अपनी तरफ से कह दिया। हाँ, और ये भी कहा कि जल्दी से अभी मार्केट जाओ और खाने पीने का सामान खरीद के लाओ। और ये कहकर मैंने उनके हाथ में 20,000 रुपए भी थमा दिए। पुरुषोत्तम डार्लिंग, क्या बताऊं, बेचारों की तो आंखें ही भर आई। क्या तुमने उन्हें 20,000 रुपए दे दिए? अरे तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझे रोना आ रहा है। बहुत खूब, अरे किराया लेने के बजाय तुमने उन्हें किराया दे दिया। वारी धन्य पूर्णा, तुम धन्य हो धन्य। तुम्हें गुस्सा आ रहा है? नहीं नहीं, मुझे तो बेहद खुशी हो रही है। वाह लक्ष्मी, तुमने तो उल्टी गंगा बहा दी। अरे मकान मालिक होकर किराएदार से किराया लेने के बजाय उन्हें किराया दे दिया, अब अपने घर में हम मकान मालिक के बजाय किराएदार बनकर रह गए। मेरा दिल तो कर रहा है कि मैं कपाल भुरता कर लूं। कपाल भुरता नहीं, वो रामदेव वाला कपाल भारती। हाँ, अब देखो इन दोनों के पास तो पैसे हैं ही नहीं, अब ये किराया कहाँ से दें? और ये बताओ तुम्हें अच्छा लगेगा कि हमारे घर में ही कोई भूखा सोए? अरे मुझे बुरा क्यों लगेगा, क्या मैंने सबका पेट भरने का ठेका ले रखा है? अरे साहब खाना लगा दूं के? अरे चुप कर, कोई भूख नहीं लगी मुझे, जब देखो सुबह शाम खाने खाने की रटकाई पड़ता है, वैसे ही पेट में गैस बन रही है। दफा होने यहां से। अरे उसको बेमतलब क्यों डांट रहे हो भाई? अरे तो और किसको डांटूं, यही तो घर में एक है जिसको डांट सकता हूँ। अरे भाई अब तुम्हें डांट कर मैंने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारनी है क्या? अच्छा अच्छा, अपना गुस्सा थूको, क्योंकि संडे आने ही वाला है और इत्मीनान से मुझसे लड़ाई कर लेना, राइट? डार्लिंग संडे क्या, तुम्हारे लिए तो मैं अगले जन्म तक रुक सकता हूँ, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी? कुछ भी। जल्दी से खाना खा लो क्योंकि मेरा सीरियल शुरू होने वाला है डार्लिंग। सुनो, मैं मंगल से कह दूं कि रात पे वकील साहब के घर पर जाके उनका भी खाना बना दिया करें। बिल्कुल नहीं। अरे तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? नहीं नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा, ये तो बहुत खुशी की बात है, बल्कि ये तो समाज सेवा है। देखो लक्ष्मी, तुम्हें एक बात बताता हूँ, किसी के ऊपर इतना एहसान भी मत करो कि वो एहसान के नीचे आकर दबकर मर जाए। और मेरे घर में कोई मर जाएगा तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा, खास करके तुम्हारे वकील साहब जो लखनऊ के हैं, तुम्हारे मायके के हैं। अरे भाई ससुराल वालों का थोड़ा तो ख्याल रखना पड़ेगा मेरे को। तो ठीक है, मैं मंगल को कह देती हूँ कि उन दोनों का भी खाना हमारे ही किचन में बनेगा। ओह थैंक यू सो मच पुरुषोत्तम, मुझे पता था कि मेरे मायके वाला कोई भी इस घर में भूखा रहे तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। थैंक यू डार्लिंग, थैंक यू। अरे थैंक यू फॉर व्हाट, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। अरे तुम्हारे कहने की क्या जरूरत है, मैं तो तुम्हारी बीवी हूं ना, तुम्हारे बिना कहीं सब कुछ समझ जाती हूँ। तुम सचमुच बड़े ही नेक इंसान हो। जी नहीं, नेक काम तो आपने किया है। अरे मेरी डायरी में तो नेक शब्द है ही नहीं। कोई बात नहीं, अब हम दोनों दो थोड़ी ही हैं, हम दोनों एक ही हैं। अच्छा, तुम्हारा कहने का मतलब है कि मेरा अपना कोई अस्तित्व है ही नहीं? जी नहीं, शादी से पहले था लेकिन शादी के बाद नहीं है। अच्छा जी, तो तुम ये कहना चाहती हो कि शादी के बाद इंसान का, आदमी का अपना कोई अस्तित्व रहता ही नहीं है। जी हाँ, मुझे वाकई पता करना पड़ेगा कि मैं हूं या नहीं। सच बात तो यही है। चलो खैर छोड़ो, लेकिन पुरुष डार्लिंग ये बताओ कि हमारे ये किराएदारों का गुजारा कैसे होगा? अरे कैसे क्या मतलब, तुम बैठी हो यहाँ पर हैं, जीती जागती एटीएम मशीन, अरे जहां बेचारगी देखी नहीं जैसे 20,000 रुपए बाहर आ गए। लक्ष्मी सारी मुश्किल तो ये है कि तुम किराएदार को किराएदार नहीं समझती, अरे तुम्हें उनके साथ मकान मालिक की तरह पेश आना चाहिए, लेकिन तुम उन्हें अपना रिश्तेदार बनाकर बैठी हुई हो क्योंकि तुम्हारे मायके लखनऊ के हैं। तभी तो उन दोनों की तकलीफ देखी नहीं जा रही, कल तो बड़े ही उदास थे दोनों। तो कोई बात नहीं, अलमारी में पैसे रखे हैं, 20,000 रुपए और जाकर दे उनको।
नहीं 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 दरअसल बात यह है कि उन दोनों के कोई बच्चा भी नहीं है। अरे भाई इस मामले में मैं उनकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। तुमसे कौन मदद मांग रहा है? मेरा मतलब है कि उन दोनों के पास कोई इनकम कमाने का जरिया भी नहीं है। कैसे नहीं है? अभी तो तुम उन्हें 20,000 रुपए देकर आई हो। ओहो, बड़ी मुश्किल से लिए थे उन्होंने। तुम्हें तो पता है कि लखनऊ वाले कितने खुददार होते हैं। हाँ ये बात तुमने बिल्कुल सही कही। भाई लखनऊ वाले बहुत खुददार होते हैं, इस बात को भला मुझसे ज्यादा और कौन जान सकता है। वैसे लक्ष्मी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। अच्छा क्या? इनको कहो कि यहाँ से घर खाली करके दफा हो जाए। क्या हद हो गई है? भाई मैं तुमसे मदद की मांग कर रही हूँ और तुम उन्हें घर खाली करने के लिए कह रहे हो। कमाल करते हो, इतने सेल्फिश हो तुम। अब ये बताओ कि दिल्ली जैसे शहर में कोविड के टाइम कौन इन्हें किराएदार रखेगा? ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। भैया मुझसे बड़ा बेवकूफ इस शहर में इन्हें कौन मिलेगा? बेवकूफ नहीं, बड़े दिल वाला। पति देव अपने लिए तो सब जीते हैं, जानवर भी, लेकिन दूसरों के लिए जीकर देखो ना, हाय कितना सुकून मिलता है। लक्ष्मी देवी तुमने आज मुझे देव का मांगो, क्या वर मांगती हो? बेहिचक होकर कुछ भी मांग लो तुम मुझसे। ठीक है, देखो मेरे किरायेदार वकील है। अरे इसी बात का तो रोना है। और उनके पास कोई केस भी नहीं है। होगा भी नहीं। और दिल्ली में तुम्हारी जान पहचान बहुत है। नहीं मेरी कोई जान पहचान नहीं है। अब मुझे वर दो, इन दोनों के लिए केस दिलवा दो बस। अरे कहां से केस दूं? अब मैं इनके लिए केस गली गली ढूंढता फिरूंगा? देखो मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ, तुम्हारी बातें सुनता रहूंगा तो मेरा सर और चकरा जाएगा। तुम नाराज होकर जाओगे ना तो इसी तरह सारा दिन यही बैठकर रूठकर रोती रहूंगी। अरे सिर्फ नाराज होकर जा रहा हूँ, लड़ाई के लिए तो संडे का इंतजार करूंगा मैं। हाँ ठीक है, जो जी में आए करो, जा। अरे वाह कमाल है भाई, अब मैं थोड़ी देर के लिए नाराज भी नहीं हो सकता। ओहो तुम क्यों रूठ रही हो? अच्छा तुम्हें जो मन में आ रहा है ना वो करो, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो देखो वो अलमारी में पैसे रखे हैं, जाकर दे आओ उनको। और वो आप पैसे नहीं लेंगे। हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक है, भाई लखनऊ वाले हैं बहुत खुददार हैं, फिर भी कोशिश करके देख लो शायद ले लें। भाई लखनऊ वाले जब थे तो थे, अब तो दिल्ली वाले हो गए हैं शायद। राणा साहब मुझे एक आइडिया आ रहा है, क्यों ना हम इन्हें पैसे किसी काम के लिए दें। क्या मतलब? मेरा मतलब किसी केस के लिए दें। अरे कौन सा केस? भाई हाँ तुम्हारे फैक्ट्री का केस नहीं, लेकिन कोई अपना अपना केस। अपना केस मतलब? मेरा मतलब कोई पर्सनल केस नहीं, लेकिन कोई झूठ मूठ केस बना देते हैं। अरे क्या कह रही हो तुम? हाँ झूठ मूठ का केस। अच्छा तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि इनके परोपकार के लिए हम दोनों इन्हें अपना डाइवोर्स का केस बना कर देते हैं। डाइवोर्स का केस? अरे वाह पुरुष डार्लिंग कितना ब्रिलियंट आइडिया है, सच हम डाइवोर्स ले लेते हैं, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। वंडरफुल आइडिया, ओह आई लव यू पुरुष डार्लिंग, आई लव यू। चलो अब जल्दी से खाना खा लो, उसके बाद बैठकर बातें करेंगे। ओके राणा साहब हैं घर में? नहीं नहीं मैडम के साथ गार्डन में घूमने गए हैं, कुछ काम था के? हाँ उनको उनके केस के बारे में बताना था, केस फाइल हो गया। वो कौन सा केस? तलाक का केस। है? कौन सा तलाक? तुम्हारे साहब और मैडम का तलाक। अरे मैडम के बात करने लग रही हैं आप? अरे असल का तलाक नहीं, झूठ मूठ का तलाक। और झूठ मूठ का कैसी बात करने लग रहे हैं आप? हमारे साहब कोई आमिर खान हो रहे हैं कि हर 15वें साल में तलाक करेंगे, और हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता जी। हमारे यहाँ तो खप पंचायत हो गाँव में, वहां पे बुढ़ा बुढ़ी साथ बैठे और बुढ़ी के लगाए 4 जोत, वही बात खत्म हो जाए। लेकिन भाई साहब एक बात बता दूं मैं, जब से आप लोग घर के अंदर आए हो ना कुछ तो हो ही रहा है। अरे कुछ बुरा थोड़ी ना हो रहा है। तो मैडम कुछ अच्छा भी तो नहीं हो रहा, अपने बेटा बहू के जाने के बाद मालकिन को अगर सुना सुना रख लिया था, उन्होंने मकान मालिक रख लिए। मकान मालिक नहीं किराएदार। मैडम आप मकान मालिक है, अगर किराएदार होते ना तो किराया देते, मेरे लिए तो आप मकान मालिक हैं। थैंक यू, तुम्हारी मैडम बहुत अच्छी हैं। तो साहब बुरे हैं के? खैर छोड़ो एक बात बताओ, ये वकील लोग काला लबादा लाद के क्यों घूमते रहते हैं जी? वकीलों को पहनना पड़ता है इसीलिए हम भी पहनते।
नहीं नहीं मैडम, इसके अंदर कोई ना कोई और बात जरूर है, क्योंकि वकील लोग जो होते हैं ना बड़े घड़पेचू होते हैं। मैं आपको समझाता हूँ, जब पाठशाला में पढ़ने गए तो तख्ती काली, ब्लैक बोर्ड भी काले और अक्षर भी काले, न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी भी काली और केस के नाम पर कारनामे भी काले। दाल में कुछ ना कुछ तो काला है ही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, काला कोट और काला गाउन बस ये यूनिफॉर्म है और कुछ नहीं। पर मुझे बहुत अच्छा लगता है जी, आप दोनों जब अपना काला लबादा लाद के बाजार में निकलते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि चमगादड़ जमीन पर अपने पर फैलाए चल रहे हो, खुद तो पिद्दी भर की है और लबादा लाद ले हवाई जहाज जैसा। और हाँ, जहां चिपक गए ना तो जल्दी से छूटने का नाम ना लें। खैर छोड़ो जी, आप ये बताओ चाय पियोगे के ब्लैक टी? ये ब्लैक टी छोड़ो, राणा साहब आ जाते तो थोड़ी बात हो जाती और उनके केस तैयार करने में जितने पैसे खर्च हुए वो भी बता देते। तो मैडम और साहब की तरफ से आप दोनों केस लड़ोगे के? हाँ, तुम्हारे साहब की वकील मैं हूँ और लक्ष्मी मैडम का वकील मैं हूँ। आप दोनों आपस में लड़ोगे? हाँ। जज साहब के सामने लड़ोगे? हाँ। अरे मैडम, आप तो घड़ी गीता बबीता हो रही हैं, मर्दों के सामने दंगल करेंगी? अरे भाई, कोर्ट में हम लंगोट पहनकर कुश्ती नहीं लड़ते हैं, केस लड़ते हैं। अदालत को अखाड़ा समझ के रखा है क्या? अरे नहीं नहीं वकील साहब, मैं तो अपनी नॉलेज बढ़ा रहा था, कोर्ट कचहरी के बारे में तो मुझे कुछ बेरा ही नहीं है। कोई बात नहीं, कुछ दिन हमारे साथ रह जाओ तो आपके भी दर्शन करवा देंगे। हमें तो अब माफी करो जी। अमल, ये सब छोड़ दो, अब केस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। राणा साहब को ये भी बताना है कि डाइवोर्स से पहले सेपरेशन जरूरी है। के? सेपरेशन मंगल जी, सेपरेशन। अरे मैडम जी, आप ना मुझे मैगी जी बुलाया करिए, मैगी, क्योंकि आपके मुंह से ना जब मंगल जी निकलता है ना तो मुझे कमल जी सुनाई देता है जी। ठीक है मैगी जी, सेपरेशन का मतलब होता है अलग होना, अलग रहना। जब तक डाइवोर्स का केस फाइनल नहीं होता दोनों को अलग रहना पड़ेगा। के? दीपा चलो, राणा साहब से कल बात कर लेंगे। गुड आइडिया, चलो। आखिर करना क्या चाहते हैं काले कलूटे चमगादड़? देखो लक्ष्मी, कमल जी कह रहे हैं कि अलग रहना जरूरी है। भई अब जरूरी है तो जरूरी है। अरे कोर्ट के दाव पेच इन लोगों को ज्यादा मालूम है। हाँ, फिर कहीं दूर जाके थोड़ी ना रहना है, इसी घर में रहना है। जब तक तलाक का केस खत्म नहीं हो जाता और फाइनलाइज नहीं हो जाता, लक्ष्मी मैडम आप मेरे साथ रहेंगी और राणा साहब यहीं अपने घर में रह लेंगे। क्या, मैं इनको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली? अजी सुबह से शाम तक इनको 50 जरूरतें होती हैं। लक्ष्मी ये कहाँ है, लक्ष्मी वो कहाँ है, खाना कब खाना है, दवा कब खानी है, चाय कब पीनी है, इस सब का ध्यान मैं ही रखती हूँ, इनका ध्यान कौन रखेगा? लक्ष्मी जी, आपका नन्ना सा मुन्ना सा मंगल है ना, वो ध्यान रख लेगा। कमल जी, बीवी बीवी होती है, हाँ बीवी जैसा ध्यान नौकर चाकर नहीं रख सकते। अरे राणा साहब अपना ध्यान खुद रख लेंगे, बच्चे थोड़ी ना है ये। अजी बच्चे से भी बढ़कर है, अगर रात को इनके सर पर मालिश ना की जाए ना तो इन साहब को नींद नहीं आती। बस तो फिर कुछ ही दिनों की बात है, इनके सर की मालिश मैं कर दिया करूंगी, पर आप इनसे दूर रहिएगा। क्या, तुम इनके सर की मालिश करोगी? हाँ तो क्या हुआ, राणा साहब मेरे क्लाइंट हैं, मैं उनका केस लड़ रही हूँ, अपने केस के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा मैं करूंगी। राणा साहब आपको इसमें कोई एतराज है? अरे नहीं भाई, भला मुझे क्यों एतराज होगा, बल्कि अच्छा ही है भाई, केस के लिए सब कुछ करना पड़ता है। अब देखो भाई लक्ष्मी, तुमने झूठ मूठ का खेल शुरू किया है तो उसको सपोर्ट करना मेरा पूरा फर्ज बनता है। जिंदगी में हर चीज का अनुभव करना चाहिए। तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। ठीक है तो करो अनुभव, जी भर कर अनुभव करो, और जब इस बुढ़ापे में अनुभव से पेट भरा है ना तो आकर मुझे बता देना। और तुम क्या समझते हो, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती? अरे तुम नाराज क्यों हो रही हो, भाई मैं तो सिर्फ तुम्हारे आइडिया को सपोर्ट कर रहा हूँ। जी हाँ खूब जानती हूँ, खूब समझ रही हूँ तुम्हारा ये सपोर्ट। कमल जी चलिए यहाँ से, अभी के अभी चलिए यहाँ से। मैगी मैगी। अरे ये मैगी कौन है?
आपका मंगल जी। बताइए मैडम। राणा साहब की सर की मालिश करनी है, कोई तेल तो ले आओ जरा। कोई ऐसा वैसा तेल नहीं मैडम, बादाम का तेल, अभी लेके आता हूँ। वाह, आप बड़े लोगों की भी आदतें बड़ी अजीब होती हैं। क्या कह रही हैं दीपा जी? अरे क्या तेल की मालिश करना अजीब आदत होती है? अच्छा एक बार बताइए, क्या सर सिर्फ बड़े लोगों के होते हैं, छोटे लोगों के सर नहीं होते क्या? लेकिन मैडम मालिश करेगा कौन? मैं? ओ की भैंस पानी में के होने लाग रहे है इस घर में। बड़ा आनंद आ रहा है। अरे वाह, कितने मुलायम उंगलियां हैं आपकी, कितने मुलायम हाथ है ये, मैं तो जैसे स्वर्ग में पहुंच गया हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। वाह दीपा जी वाह, बीच में जरा उंगलियां फिराइए ना। कितना मजा आ रहा है, बस आप रोज मेरे सर की मालिश कर दिया कीजिए, मैं तो जैसे स्वर्ग में पहुंच गया हूँ। बहुत अच्छा है दीपा जी, बहुत अच्छी मालिश कर रही हैं आप। कमल जी भी कितने खुशकिस्मत हैं, हैं? काश मेरी लक्ष्मी ऐसा मसाज कर पाती, लेकिन वो तो मेरे जिस्म का मसाज कर देती है। देखिए आप लोग लक्ष्मी का ख्याल रखना, मैं ये जो कुछ कर रहा हूं ना उसी की खुशी के लिए कर रहा हूं। लक्ष्मी वैसे दिल की बहुत अच्छी है। लक्ष्मी मैडम का दिल मैंने देखा है, पर ना अनजान लोगों के लिए इतना कौन करता है। दिल्ली जैसे शहर में आप दोनों के सिफा हमारा है ही कौन। एक बात बताइए दीपा जी, लखनऊ में भी तो कोर्ट है, फिर वहां छोड़कर आप इतनी दूर दिल्ली क्यों चले आए? लखनऊ में हमें जो भी केस मिलता था हम हार जाते थे। सबको पता चल चुका था कि हम दोनों को जो भी केस मिलेगा हम हारेंगे ही हारेंगे, इसीलिए धीरे धीरे केस ही मिलने बंद हो गए और हार के हम यहाँ दिल्ली आ गए। अच्छा अच्छा, तो अभी दिल्ली वालों को आपके बारे में पता नहीं होगा। खैर छोड़िए, क्या फर्क पड़ता है केस हारे या जीते, आपको तो पूरी फीस मिलेगी हमसे। ऐसे दीपा जी मालिश आप बहुत अच्छा करती हैं। अच्छा एक बात बताइए, क्या आप मालिश तो इतना अच्छा करती हैं, फिर केस कैसे हार जाती हैं? चलिए राणा साहब अब मैं चलती हूँ, आप भी जाकर सो जाइए। अरे अरे कहाँ जा रही हैं आप, मुझे नींद नहीं आएगी, और वैसे तो रात को मुझे अकेले नींद आती भी नहीं है। क्या मतलब, मैं रात भर यहाँ नहीं रुकने वाली? अरे मैं रात को रुकने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि कुछ बातें कीजिए। देखिए लक्ष्मी बातें करती है, सारी रात बातें करती रहती है और मैं सुनता रहता हूँ, और कभी कभी तो उसकी बातें सुनते सुनते मैं सो भी जाता हूँ। एक बार बताऊं दीपा जी, कभी कभी वो मुझे गाना भी सुनाती है। गाना? क्या क्या शौक पाल रखे हैं आप लोगों ने, लेकिन सॉरी मैं यहाँ रात भर बैठकर आपको लोरी नहीं सुनाने वाली। अरे नहीं नहीं, मैं आपको लोरी सुनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि कुछ बात कीजिए मेरे साथ। पर मैं बिना बात के क्या बात करूँ? क्या कह रही हैं आप, ऐसी औरत है आप जबकि आप पेशे से वकील हैं। मेरी लक्ष्मी तो बिना किसी टॉपिक के घंटों बातें कर सकती है। वाह क्या बात है, काफी अच्छी आदतें हैं आप लोगों की, लेकिन सॉरी मैं यहाँ रात भर बैठ के ना तो किस्से ना कहानियां ना लोरियां आपको सुना सकती हूँ। अगर मैंने ऐसा किया राणा जी तो आपका तो पता नहीं पर मेरा डाइवोर्स जरूर हो जाएगा। नहीं 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 दीपा जी, मैं नहीं चाहता कि आपका डाइवोर्स हो जाए। ठीक है आप जाइए यहाँ से। ठीक है। अरे रुकिए तो जी, कम से कम गुड नाइट तो बोलकर जाइए मुझे। गुड नाइट राणा जी। दोनों कितनी मेहनत करते हैं, हैं? अपने क्लाइंट के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, पर एक बात मेरी समझ में नहीं आती है कि केस क्यों हार जाते हैं। खैर छोड़ो, हमें क्या लेना देना है, मैं तो चाहता हूं कि हमारा केस भी हार जाए ये लोग। लक्ष्मी तुम? हाँ मैं, चुपचाप भागकर चली आई, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी पुरुष डाले। अरे भाई मुझे भी ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जो कुछ हो रहा है ना सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। ओहो पुरुष, आज संडे नहीं है, आज प्लीज
लड़ाई मत करो, आज तो मत करो ना। अरे नहीं नहीं भाई, मैं लड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हें ये बता रहा हूँ कि इन किरायेदारों की वजह से हमें क्या कुछ नहीं करना पड़ रहा है। हाँ, लेकिन मजा बहुत आ रहा है। आज मुझे पता चला कि हम दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। अरे कौन कहता है कि बूढ़े हो गए, अभी तो हम दोनों जवान हैं। सच, बस जी चाहता है कि सारी रात यूं बैठकर बातें करती रहूं। पर किसी ने सुन लिया तो? अरे तो क्या, हम चोरी थोड़ी कर रहे हैं। वो तो ठीक है, लेकिन वकील साहब बुरा मान गए तो? अरे बुरा मानते हैं तो मानने दो। हाँ, वकील साहब की कौन परवाह करता है। अच्छा ये बताओ कि तुमने वो दवा खा ली? अरे छोड़ो ना दवा को, रात को सोने से पहले खा लूंगा मैं। ओहो पुरुषाली, मेरे पेट पीछे हमेशा गड़बड़ शुरू कर देते हो। अब देखो, मुझे पता है कि मेरे बिना परेशान तो तुम भी हो। जो तुम मर्द लोग हो ना, जो अपने मन में होता है उसे बोलते ही नहीं हो, दबा जाते हो, लेकिन हम औरतें ना जो कुछ मन में होता है झट से बोल देती है। हाँ। क्यों? लगता है कोई आ रहा है। हाँ? कोई आ रहा है? मैं चुप जाती हूँ। साहब आपकी दवाई दे दूं? नहीं नहीं रहने दे, मैं अपने आप खा लूंगा दवाई। ठीक है साहब, कोई और काम हो तो आप बता दीजिए, नहीं तो मैं ना सोने जाना चाह रहा था। अरे और कोई काम नहीं है, और तू अभी तक सोया क्यों नहीं है? अरे साहब जब आप यहाँ पर अभी तक हैं तो मैं कैसे सो सकता हूँ, और मुझे पता है मैडम की कमी आपको बहुत खल रही है, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। बहुत खूब, तुझे अच्छा नहीं लग रहा है? अरे बीवी मेरी गई है या तेरी गई है जो तुझे अच्छा नहीं लग रहा है? साहब मेरी भी तो मालकिन है। अरे ठीक है, मैं सब जानता हूँ, हैं? तू उनका बहुत बड़ा चमचा है। तू याद रख, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं मुसीबत को दूर रखो, मुसीबत जितना दूर है ना उतना अच्छा होता है। नहीं नहीं साहब, मैडम कोई मुसीबत नहीं है, बल्कि मुसीबत में आपका साथ निभाने वाली है, वो तो आपकी खुशी में ही अपनी खुशी समझती है। अच्छा अच्छा, तू उल्टा मुझे तसल्ली दे रहा है। अरे मैं अच्छी तरह जानता हूँ तू मैडम का कितना बड़ा चमचा है। देखिए जी, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, लेकिन एक बात बताइए, आप बात किससे कर रहे थे? बात किसी से नहीं भी। अच्छा अच्छा वो अरे वो तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। हनुमान चालीसा? ये कौन सी हनुमान चालीसा की छुपाई में लिखा है कि हम कौन सा बूढ़े हो गए हैं, अभी तो हम जवान है, कौन सी छुपाई में लिखा है ये? अरे है एक दर्द चालीसा, जब लोगों को दर्द होता है ना तो इसी दर्द चालीसा का पाठ करते हैं। अच्छा मंगल, ओहो तुम दोनों की बकवास खत्म ही नहीं हो रही थी, कब तक मैं छुपी रहती? बताइए मंगल क्या कर रहा है यहाँ, जा यहाँ से भाग। ठीक है मैडम, आप कहती हैं तो चले जाता हूँ, मैं तो यहाँ पे चालीसा सुनने रहा था। पुरुषाली अब मैं भी चलती हूँ, बाय। लक्ष्मी एक बात सुनो, मैं तुम बताता हूँ कि ये जो दीपा है ना, भाई मालिश बहुत अच्छा करती है। अच्छा, मैं देख लूंगी तुम्हें। तो आप सबको पता है कि कल मंडे को डाइवोर्स केस का डेट है, अब कोर्ट में जज के सामने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है हम अभी डिसाइड कर लेते हैं। सक्सेना जी क्या आइडिया दिया है, क्यों ना हम यहाँ एक मॉक कोर्ट बनाए, इन लोगों के साथ हमारी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा सुनिए, काले कोट पहन लेते हैं अपने। अरे हाँ, ये तो बड़ा ही अच्छा आइडिया है दीपा जी। जी चलिए चलिए चलिए। अरे पर जज किसको बनाएंगे? जज? हाँ अरे हाँ, मंगल को जज बना देंगे। ओ मंगल, ओ मंगल। और जी साहब। मंगल हम तुम्हें जज बनाना चाहते हैं। ठीक है, तनख्वाह कितनी मिलेगी? मैगी। ये मैगी कौन है? अरे अपना मंगल और कौन। ओ मैगी, हम तुमको नौकरी नहीं दे रहे हैं, बस तुमसे जज बनने का नाटक करवाना है। अच्छा जी, नाटक मतलब नौटंकी, वो तो मैं अपने गांव में हर साल करता था। आपको पता है रामायण में मैं बजरंगबली का किरदार निभाता था। वाह वेरी गुड मैगी, वेरी गुड, पर आज तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना,
बस यहाँ बैठना है और हम लोगों को देखना है, और जब लगे कि कोई चीख रहा है, चिल्लाए कर रहा है या लड़ाई करने वाला है तो टेबल पे जोर जोर से ठोकना और बोलना ऑर्डर ऑर्डर। आदर आदर। एक मिनट जी, मैं कुछ ठोकने के लिए इंतजाम करता हूँ जी। आदर आदर। तो ये जज की कुर्सी होगी। और राणा साहब प्लीज, आप मैडम का हाथ ऐसे कोर्ट में मत पकड़िए, आप दोनों को दूर दूर बैठना है, ओके? दूर दूर, प्लीज याद रखिए। और मंगल, ऑर्डर ऑर्डर करने के लिए इस टेबल को अपने पास रख लो और जज की तरह बैठ जाओ। और कैसी बात कर रहे हैं, साहब के सामने मैं कैसे बैठ सकता हूँ? तो क्या कोर्ट में जज खड़ा रहेगा? बताओ भला, मुवक्किल ठाट से बैठा रहेगा और जज दरबान की तरह खड़ा रहेगा? ओहो मंगल, बैठ जा, कोई बात नहीं, आराम से बैठ जा। ठीक है, थैंक यू मैडम, मैं बैठता हूँ मैडम। जज साहब, फैसला भी अपने बॉस से पूछ के करना, ओके? कैसी बात कर रहे हैं आप, पंच परमेश्वर होते हैं। होता है, नहीं होता था, वो भी प्रेमचंद के जमाने में होता था, पंच परमेश्वर। अरे जस्ट फॉरगेट ऑल ऑफ दिस यार, अब सीधा कार्यवाही शुरू करते हैं। सक्सेना जी, आपको मेरे क्लाइंट से जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं। थैंक यू मिसेस सक्सेना। आपका नाम? डोनाल्ड ट्रंप। अरे पिछले 4 महीने से मेरे यहाँ किराएदार हो, तुम्हें अभी तक मेरा नाम नहीं मालूम क्या? राणा साहब, कोर्ट में जो आपसे पूछा जाए बस उसी का जवाब दीजिए प्लीज, मैं आपको नहीं जानता हूं ना आप मुझे जानते हैं, ओके? तो आपका नाम पुरुषोत्तम राणा है जी। ये बताइए आपकी वाइफ का नाम क्या है? लक्ष्मी राणा। आप अपने वाइफ के साथ रहते हैं? जी, मेरी पत्नी मेरे साथ ही रहती है। नहीं नहीं नहीं, आपके साथ नहीं रहती है राणा साहब। अरे मेरी पत्नी के बारे में मुझे ज्यादा पता होगा कि आपको मालूम है? अपनी पत्नी के बारे में आप ही को ज्यादा पता होगा राणा साहब, लेकिन मामला डाइवोर्स का है, इसीलिए आपको कोर्ट में नहीं बोलना है, समझ गए? अब ये बताइए राणा साहब, जिस मकान में आप रहते हैं क्या उस मकान का नाम लक्ष्मी सदन है? क्या उस मकान का नाम लक्ष्मी सदन है? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे, बताइए क्या उस मकान का नाम लक्ष्मी सदन है? आप चुप क्यों हो गए, कुछ बोलिए राणा साहब। अरे कैसे बोलूं, अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे कहा कि मुझे नहीं बोलना है। ये भी केस गया हाथ से। राणा साहब, मैंने आपसे ये कहा था कि जब आपसे पूछा जाए कि आपकी पत्नी लक्ष्मी राणा आपके साथ रहती है तो आपको हाँ ना बोलकर ये बोलना है कि आपके साथ नहीं रहती है। मैंने आपको मौन व्रत रखने के लिए तो नहीं कहा ना राणा साहब? एनीवे, ये बताइए राणा साहब, लक्ष्मी सदन का मालिक कौन है? मेरी पत्नी लक्ष्मी राणा। योर ऑनर। इसका मतलब? मतलब जज साहब। आदर आदर, मुझे जज साहब नहीं सरपंच जी बुलाइए। क्या? चलो छोड़ो, सरपंच जी, पुरुषोत्तम राणा बहुत ही गुस्से वाले आदमी है। आदर आदर। क्या हुआ? एक मिनट जी, वो सीटी बज रही है मेरे प्रेशर कुकर की, मेरे छोले गल गए हैं, मैं एक मिनट देख के आता हूँ, जरा गैस बंद करके आता हूँ। वो क्या रहा है, ये भी केस गया हाथ से। को अपना काम तो करना ही है ना, आफ्टर ऑल ही इज मैगी, जज नहीं है वो रियल का, तुम बोलते ही रहो ना आगे। क्या क्या क्या, क्या बोलता रहूं दीपा, तुम्हें पता है कि ये बीच के रोकने टोकने से मैं भूल जाता हूं। वो देखो आ गया, चलो अब शुरू करो। योर सरपंच जी, पुरुषोत्तम राणा बहुत ही गुस्से वाले आदमी है, कटघरे में खड़ा ये आदमी दौलत के नशे के साथ साथ शराब के नशे में चूर रहता है। झूठ है ये, सरासर झूठ है। वाह जी वाह, सरपंच जी ने पहले ही फैसला सुना दिया, प्रैक्टिस क्या खाक करेंगे। दीपा मैं कह रहा हूं ये भी केस हम हार जाएंगे, मेरे बाप हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अदालतों में ऐसे ही झूठ गढ़ा जाता है, हम झूठ का ही पैसा खाते हैं। छोड़ दो कंटिन्यू करो बस। क्या कंटिन्यू करूं मिसेस सक्सेना, इस 2 मिनट मैगी को जज बना के दिमाग खराब हो गया। हाँ तो कहा था मैं, हाँ सरपंच जी,
पुरुषोत्तम राणा अक्सर शराब के नशे में अपनी बीवी को जानवरों की तरह पीटते थे। इसीलिए एक दिन मेरी क्लाइंट लक्ष्मी राणा चुपचाप घर छोड़ के चली गई। अब मेरी क्लाइंट लक्ष्मी राणा अपने पति पुरुषोत्तम राणा से डाइवोर्स यानी कि तलाक चाहती हैं और अपने मेंटेनेंस के लिए हर महीना 1,00,000 रुपया चाहती है। वाह 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 वकील साहब, क्या भाषण दिया आपने। अरे शट अप, ये क्या मदारी का खेल चल रहा है। और कमल सक्सेना जी, आप क्या अनाप शनाप बकते जा रहे हैं। अरे जिस आदमी ने सारी जिंदगी मुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, आप उस पर ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं कि वो मुझे पीटते हैं। आपको किसने कहा कि वो मुझे पीटते हैं? इस बात का चश्मदीद गवाह मैं हूँ, इसी बात पे केस डिसमिश। अरे चुप हो जा मंगल, चुप हो जा। मैं सरपंच हूँ, झूठ और अन्याय के खिलाफ बोल सकता हूँ। शांत हो जा, और लक्ष्मी तुम भी शांत हो जाओ। भाई ये सब वकीलों के हथकंडे हैं। सक्सेना साहब एक बात बताइए, आप जोड़ तोड़ तो इतना अच्छा कर लेते हैं, फिर केस कैसे हार जाते हैं? क्या बताओ राणा साहब, किस्मत ही खराब है। ऑर्डर ऑर्डर, अब अपनी कार्रवाई शुरू कीजिए। जी जी, थैंक यू सरपंच जी, अब मुझे और कोई सवाल नहीं पूछना। दीपा आप शुरू करो। थैंक यू कमल, थैंक यू योर ऑनर। ओ, मेरा मतलब सरपंच जी। नहीं नहीं मैडम, आप तो जो बोले अच्छा ही बोलेंगी, आपके मुंह से तो सभी कुछ अच्छा लगता है। हाँ हाँ, मेरे मुंह में कांटे लगे हुए हैं। ओफो कमल, चुप भी हो जाओ अब, चलो शुरू करते हैं। आपका नाम? लक्ष्मी राणा। लक्ष्मी राणा जी, आप एक पढ़ी लिखी औरत है, लखनऊ यूनिवर्सिटी से आपने एमए किया है। जी हाँ, हिस्ट्री में। वाओ, सुना है कि शादी की पहली ही सालगिरह में आपको बहुत बड़ा एक तोहफा दिया आपके पति ने, क्या था वो गिफ्ट? एक बड़ा मकान। उस मकान का नाम लक्ष्मी सदन? जी। शादी की पहली ही सालगिरह पर इतना बड़ा गिफ्ट, इसका मतलब आपके पति तो आपसे बहुत प्यार करते थे। करते थे नहीं, अभी भी करते हैं। अरे नहीं नहीं मैडम, नहीं करते, अब प्यार नहीं करते, ठीक है? ओके ओके ठीक है। लक्ष्मी, मैंने सुना है कि आप अपने पति से अलग रह रही हैं। जी। सुना है कि आप खर्च बड़ा सोच समझ के करती हैं, इसकी क्या वजह है? क्या आपके पास पैसे नहीं होते थे? नहीं नहीं, मैं तो बड़ी खर्चीली हूँ। अच्छा, और इस खर्च करने पर आपके पति आपको कभी रोकते टोकते नहीं थे? जी नहीं, कभी भी नहीं। अच्छा, महीने में लगभग कितना खर्च कर लेती थी आप? लगभग 40,000 या 50,000 के करीब। वाओ, आप कहीं नौकरी करती थी? जी नहीं, मैं क्यों करने लगी नौकरी। हाँ, मैंने तो नौकर रखा है। अरे लक्ष्मी, सबके सामने मेरे बारे में ऐसा तो मत कहो। ओ पुरुष डालिक, तुम्हारे लिए थोड़ी कह रही हूँ, मैं तो मंगल की बात कर रही हूँ। नहीं नहीं मैडम, मैं इसमें नौकर नहीं हूँ, मैं सरपंच हूँ। अरे चुप हो जाओ सब, चुप हो जाओ, कार्रवाई चल रही है, उसके बीच में ये पर्सनल कॉन्वर्सेशन कहाँ से आ जाती है। अब बीच में कोई नहीं बोलेगा, मैं वापस शुरू कर रही। लक्ष्मी जी, जी इसका मतलब कि जब आपको पैसों की जरूरत होती थी तो आप अपने हाथ फैलाती थी राणा जी के सामने? जी नहीं, मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती। अजी मेरा तो जॉइंट अकाउंट है। अच्छा एक बात बताइए, आपके पति पुरुषोत्तम राणा का स्वभाव कैसा था? क्या ये झगड़ालू है? झगड़ालू झगड़ालू तो नहीं है, लेकिन आप ही बता दीजिए कि मुझे कहना क्या है। हाँ ठीक है ठीक है, नहीं बोलना है, ठीक है। क्या आपके पति शक्की हैं? जी नहीं। क्या आपके पति आपसे मारपीट करते थे? मारपीट? अरे नहीं, आप पता नहीं। अच्छा एक बात बताइए, ये लड़ाई आपकी अक्सर होती थी या कभी कभार? अरे हाँ, हमेशा संडे के संडे को। संडे के संडे को? वाओ, अच्छा अच्छा, बिजी रहते होंगे आप, फुर्सत ही नहीं मिलती होगी। संडे के दिन छुट्टी होती है, आराम से लड़ाई करते होंगे। तो ये आपकी हाल ही में कभी लड़ाई हुई है? जी हाँ, पिछले संडे को ही। अरे हम दोनों ने सुबह से शाम तक खूब लड़ाई की, और फिर शाम को हम पिक्चर देखने चले गए, उसके बाद हम डिनर खा के तब घर वापस लौटे। लो जी, हो गया डिवोर्स। ऐसे में जज दोबारा शादी करा देगा,
लक्ष्मी जी प्लीज आपसे जितना पूछा जाए अब उतना ही बोलिए, नहीं तो केस का बंटाधार हो जाएगा। समझ आया? दोबारा शुरू करते हैं। लक्ष्मी जी, काफी समय से आप अपने पति से अलग रह रही हैं, फिर पिछले संडे लड़ाई कहाँ हुई? ओ, क्या आप मेरे क्लाइंट पुरुषोत्तम राणा के घर आई थी? जी हाँ। लक्ष्मी सदन आपका अपना ही घर था? अपना घर नहीं था, है। ठीक है ठीक है, लक्ष्मी सदन आपका अपना ही घर है, फिर आप अपना ही घर छोड़ के क्यों चले गए? सुना है आप अपने किसी पुरुष मित्र के साथ रह रही। जी नहीं, वो मित्र नहीं है, सिर्फ परिचित है। अरे एक ही बात है, जब तक परिचित नहीं होगा तो आप उनको मित्र थोड़ी ना बना लेंगी। अच्छा सुना है कि ये जो आपका परिचित है ये भी लखनऊ शहर से है? जी। वो भी लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट रह चुका है? ऑब्जेक्शन सरपंच जी, दीपा ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? अरे कमल, केस में ज्यादा क्या कम क्या? योर ऑनर, मुझे और कुछ कहना ही नहीं है। मेरा क्लाइंट पुरुषोत्तम राणे पे जो भी आरोप लगे हैं वे बेबुनियाद और झूठे हैं। मेरे क्लाइंट पुरुषोत्तम राणा एक सीधे साधे इंसान है जो अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और एक सुकून की जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन ये औरत इनको सुकून की जिंदगी जीने ही नहीं देना चाहती। काफी दिनों से ये मेरे क्लाइंट से अलग रह रही है, अपने एक पुरुष मित्र के साथ रह रही है जो लखनऊ यूनिवर्सिटी से है। दोनों ने साथ में पढ़ाई कर रखी है और मैं आपको बता दूं वो और कोई नहीं इनका पूर्व प्रेमी है। क्या? तुम ये क्या अनाप शनाप बत्ती जा रही हो? हा? तुम लोगों का तो भला चाहती थी मैं और तुम मुझ पर ही कीचड़ उछाल रही हो है? अच्छा इंसानियत का ये सिला दिया है तुम दोनों ने हमें। मैडम लक्ष्मी जी, इसमें बुरा मानने की क्या बात है, हम सब तो यहाँ बस नाटक कर रहे हैं। अजी बहुत हो गई ये नाटक नौटंकी, आप लोग कोर्ट में हमारी इज्जत की धज्जियां उतारते रहेंगे और हम चुपचाप खड़े देखते रहेंगे। नहीं नहीं लक्ष्मी जी, आप प्लीज रिलैक्स कीजिए। दीपा तुम जल्दी से समाप्त करो। श्योर कमल, थैंक्स। योर ऑनर, लक्ष्मी नाना को जब एक दिन पता चला कि उनका प्रेमी यहाँ दिल्ली शहर आ चुका है तो ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए और भाग के चली गई अपने परिचित के पास और एक लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी। मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये जो औरत है ये कंप्लीटली कैरेक्टरलेस और बच्चलन है। चुप हो जाइए मिसेस सक्सेना, बहुत हुई आपकी बकवास, इतना जल्दी हो सके यहाँ से दफा हो जाइए। लक्ष्मी जी हम तो बस नाटक कर रहे थे, ये सब नाटक था। नहीं नहीं, मैं तो बच्चलन हूँ, कैरेक्टरलेस हूँ, यही सिला दिया है आपने हमारी भलाई का। अरे पर हमारा ये मतलब नहीं है। चुप हो जाइए और दोनों के दोनों यहाँ से अभी के अभी चले जाइए। लक्ष्मी जी प्लीज देखिए, मैंने कहा ना आप दोनों को चले जाइए यहाँ से। और ये रही आपकी फीस, इसे लेकर यहाँ से दफा हो जाइए। हमें कोई केस नहीं लड़ना है, कोई डाइवोर्स नहीं चाहिए हमको, और हाँ जितना जल्दी हो सके इस घर को खाली कर दीजिए। लक्ष्मी देख लिया तुमने नतीजा? अरे तुम चहल पहल चाहती थी, उसके लिए तुमने किराएदार रखा था, हो गई तुम्हारी चहल पहल। लेकिन तुम कहना क्या चाहते हो? अरे मैं क्या कहूंगा, देखो लक्ष्मी तुमने जब जो चाहा तुमने वही किया, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, मैंने तुम्हें कभी रोका टोका नहीं, मैंने तुम्हें कभी मना नहीं किया। लेकिन तुमने मुझे मना क्यों नहीं किया? अरे क्योंकि इसी में तुम्हारी खुशी थी, मैं यही करना चाहता था तुम्हारे लिए। ओफो, समझ गई, तुम हमेशा ना एक अच्छा आदमी बनना चाहते थे, कभी बुरा नहीं बनना चाहते थे। भाई कम से कम तुम्हारी नजरों में। मैंने तो इन दोनों का भला ही चाहा था, लेकिन इन दोनों ने तो हमारी मिट्टी पलीत ही कर दी। हम दोनों आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं। तुम्हें गुरु मंत्र बताता हूँ, जिंदगी में खुश रहने के लिए हमें दूसरे लोगों की जरूरत नहीं है। अरे हमने हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ दिया है, इस चार दीवारी में हमें किसी और की जरूरत नहीं है। और हाँ वो तुमने रामायण में नहीं पढ़ा था कि 14 साल का वनवास राम और सीता ने वन के अंदर एक ही कुटिया में एक साथ बड़े सुख के साथ बिताया था, इसी तरह हमें भी जिंदगी जीनी चाहिए। लेकिन उनके साथ तो लक्ष्मण भी था। हाँ, और हमारे पास मंगल जो है। हाँ ये सच कहा तुमने।
नहीं सकते क्या? और अगर वाकई भूख लगी है तो मंगल को जाकर खाना लगवा दिया करो। दोबारा ले लो उसको। आप बीच में क्या बोल रहे थे? हाँ वो मैंने पहले बोल दिया था। अच्छा, अब अपने ही घर में हम मकान मालिक के बजाय किराएदार बन के बरा गए। सॉरी, गुड नाइट तो बोलकर जाइए मुझे। गुड नाइट। और हम चुपचाप खड़े देखते रहे। नहीं, लक्ष्मी जी आप रिलैक्स कीजिए। दीपक तुम जल्दी से समाप्त करो। ओके नहीं, तुम बहुत पीछे चले गए भाई। ये तो बहुत, हाँ आई थॉट हाँ वहीं से तो ले हो गया।